ऐ बाप आसमानी हो पासबा हमारा, ऐ बाप आसमानी हो पासबा हमारा, कायम रहे इस जहां में ये गुलिस्तां हमारा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपकी होस्ट रिजा अलका और मेरे साथ हैं जाहिद शरीफ और आप हमारे साथ देख रहे हैं तड़के दिवेली। वेलकम बैक। तो मैं एक बार फिर आपको अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सब जाग रहे होंगे और आपने हमारे शो को ज्वाइन कर लिया होगा। तो जाहिद भाई, आज हमें हमारे गेस्ट के बारे में कुछ बताएं। हाँ बिल्कुल बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। आज सबसे अहम बात यह है कि हम बहुत खास आयाम में से गुजर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हम आमद के आयाम में से गुजर रहे हैं और ये आयाम हमारे लिए बहुत खास और अहमियत के हामिल हैं कि हम किस तरह अपनी रूहानी और जिस्मानी तैयारी करते हैं, किस तरह हम अपने अमन के शहजादा को अपने दरमियान वेलकम करते हैं। और आज के हमारे मेहमान खास नहीं, बहुत ज़्यादा खास है। अरसा 35 साल से मुबशर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, बहुत सारे नौजवानों को परवान चढ़ाते रहे, बहुत सारे ग्रुप्स को मजबूत करते रहे, अपनी पैरिश को भी मजबूत करते रहे। कराची की सबसे कदीम पैरिश सेंट फ्रांसिस हाजी कैंप से उनका ताल्लुक़ है और बहुत सीनियर मुनाद हैं। और मैं आपकी भरपूर तारीफों में अपने हर दिल अजीज़, अपने मोहसिन, अपने उस्ताद मास्टर परवेज जेम्स बरकत से गुजारिश करूंगा कि वो आए और हम सब से अपने तजर्बा शेयर करें और आमद के हवाले से हमें कुछ बताएं। तो वंस अगेन वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। तो मास्टर जी, कैसे हैं आप? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से, खुदा का शुक्र है। बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा है, खिदमत बहुत अच्छी जा रही है और सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है। सर आज इस प्रोग्राम में आके, इस शो में आके आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? मैं नहायत ही खुश हूँ और इस खुशी के मौका पर मैं रेवरेंट फादर आमिर भट्टी और उनकी तमाम टीम को जो कि इस चैनल पर काम कर रहे हैं, उनको नहायत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपना ईमान शेयर करने का मौका बख्शा है। सर नाज़रीन चलते हैं, अब हम अपने मेहमान से प्यारी प्यारी मीठी मीठी मोहब्बत भरी बातें करते हैं। सर आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप अपने तड़के के वेले का आगाज़, यानी कि सुबह का आगाज़ किस तरह से करते हैं? तो ये बचपन से ही मेरी वालदा जो है वो बड़ी परहेजगार और मजहबी किस्म की खातून हैं, खुदा का शुक्र अब तक हयात हैं। शुक्र है खुदा का। तो वो जो हैं उन्होंने, उनसे सीखा मैंने कि सुबह के वक्त उठकर जो है वो इबादत करना, खुदा की हम्द करना, खुदावंद की तौसीफ़ करना और पाक कुर्बानी में शामिल होना जो है ये रूटीन है। और मैं भी राउंड अबाउट 6 ईयर्स, यानी जब मैं 6 साल का था उस वक्त से अब तक ये सिलसिला जो है वो जारी है कि पाक मास के बगैर जो है सुबह का आगाज नहीं है, यानी कि आपकी जिंदगी अधूरी है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिर पाक मास के बाद सिलसिला जो है वो अपनी पर्सनल प्रेयर भी है। पाक कुर्बानी तो एक अलग चीज़ है लेकिन अपनी जाती दुआ जो है उसमें भी टाइम जो है खुदा के साथ रابطہ मजबूत करने के लिए। जी रابطہ मजबूत करने के लिए ये बचपन से मेरी आदत है और अभी तक कायम है और यही आपने हमें भी सिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप सेंट फ्रांसिस हाजी कैंप पैरिश के सबसे सीनियर मुनाद हैं, तकरीबन 35 साल से आप मुबशर की हैसियत से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जी जी। इस अरसे में आपने बहुत सारे ग्रुप्स को, नौजवानों को जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमें भी आपने मजबूत किया है ईमान में भी
और दूसरी चीज़ों में भी। सर आप थोड़ा सा अपने इस 35 साल खिदमत के हवाले से चंद एक चीज़ें बताएं हमें। बड़ा लंबा सिलसिला है, 35 ईयर्स, 35 साल जो है। मेरी शादी नहीं हुई थी उस वक्त जब मैंने बेसिकली, तो आपको पता मैं टीचर हूँ जी, बिल्कुल जी। तो इसी दौरान में चर्च से कुर्बत जो है वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बचपन से सारे ग्रुप्स जो है, सबसे पहला मेरा जो ग्रुप था वो था लीजन ऑफ मैरी, और उसके साथ अल्टर सर्विस में, ठीक है, क्वायर है, और उसके बाद फिर एक और ग्रुप जो है कैरिज्मेटिक जो है। ये ग्रुप्स जो हैं बचपन से मेरे साथ थे और मैंने इन्हीं के ज़रिए से स्टार्ट लिया। और जब रेवरेंट फादर जो पाल जो हैं, इस वक्त नहीं है, खुदावन उनको अब्दी आराम अता करे, उनके मशवरे से मैंने जो है ट्रेनिंग जो है कैटिकिस्ट की ट्रेनिंग के लिए मुझे उन्होंने भेजा, तो मैं ट्रेनिंग के लिए गया और वापस आया तो मैंने इस काम को जो है, खिदमत को जो है शुरू किया। वो उनकी राहबरी और उनकी रहनुमाई में बड़ी अजीम शख्सियत थे वो, पूरी कराची डायसिबल के पूरा पाकिस्तान उनको जानता है कि उनका सिलसिला लोगों के साथ बातचीत करने का, मिलने का अंदाज़ कैसा था। तो उनकी सरपरस्ती में मैंने काम शुरू किया और उन्होंने जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है मेरी राहबरी और रहनुमाई की। और मैंने जो है, शादीशुदा नहीं था उस वक्त, मैं शादी मेरी बाद में हुई है। तो सबसे पहला जो मेरा इलाका था वो पुराना गोलीमार था, जो इस वक्त बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। हाँ, ये वो वहाँ पर उन्होंने मुझे भेजा और वहाँ जाके मैंने जो है वो नौजवानों के साथ खुसी तौर पर ग्रुप बना के लीजन ऑफ मैरी का और अल्टर सर्विस का दवाइयाँ ग्रुप बना के जो है काम शुरू किया वहाँ मैंने। और बड़ा जो है फ्रूटफुल रहा और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है मुझे जो है आउटपुट मिला इसका। और उन नौजवानों ने आज, ये सारे जिनके साथ मैंने काम किया था, आज बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पर वो सारे हैं। और बड़ा मतलब सिलसिला बड़ा खूबसूरत, ये लोग मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है उनके साथ मिलते हुए कि जो पौधे लगाए गए हैं वो तनावर दरख्त बने हुए हैं आज। तो खुदा का शुक्र है कि इस खिदमत में सेंट फ्रांसिस में रहते हुए मैंने अपना पूरी की पूरी जवानी मेरी है, बचपन, जवानी और बढ़ापा। और अभी 2018 में नवंबर में जो है रिटायरमेंट पे मैं गया हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मेरी खिदमत जो है वो जारी सारी है। और तमाम इलाके जो हैं यहाँ, ख़ास तौर पर ओल्ड एरियाज़ के इलाके जो हैं, स्लाटर हाउस है तो ये मैं नहीं भूल सकता हूँ इसको, क्योंकि स्लाटर हाउस जो है पूरी लियारी में है, तो लियारी पूरी कराची की माँ है। डायसिस में मुनाद को जो है कहीं पे मास्टर जी कहा जाता है, कहीं पे बहू, कहीं पे बाबूजी, तो आप हमें बताएं कि क्या कहना मुनासिब लगता है। ये सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं। जब आप बाबूजी कहते हैं तो ये पंजाब का कल्चर था कि जो मुनाद है वो आम लोगों से थोड़ा फ़र्क होता था, फ़र्क मीन कि पढ़ा लिखा होता था, तो इसलिए पंजाब में पढ़े लिखे लोगों जो हैं उनको बाबूजी कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ पंजाब में जो है वो जोर पकड़ गई, बाबूजी। पंजाब में अब भी बाऊ कम हो गया और बाबूजी। बाबू जो है हिंदी का लफ्ज़ है, तो इसका मतलब बाप है, बाप। तो कराची में या दूसरे सिटीज़ जो हैं वहाँ पर जो है मास्टर जी जो है वो जोर पकड़ गया। अब मास्टर का मतलब ये है कि कुली तौर पर इख्तियार रखने वाला शख्स, मास्टर, जो उसने कहना वो होना है, जो कहना वो करना है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर बड़ी अच्छी हैं, लेकिन खूबसूरत लफ्ज़ जो है वो मुबशर है। मुबशर यानी खुदा की खुशखबरी देने वाला, खुदा की खुशखबरी के लिए लोगों को तैयार करने वाला, खुशखबरी लेके जाने वाला, सब अपनी जगह पर बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन सही जो मतलब और मकसद जो है वो मुबशर ही देता है। मुबशर का लफ्ज़ जो है बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है कैटेगरिस्ट के लिए। सर आपके लिए
जो मुबशरा ने अंजीर, काफ़ी चैलेंजेस भी आपके दरमियान आते हैं कि फादर्स और अवाम के दरमियान जो है पुल का किरदार अदा करते हैं। अगर किसी का काम हो जाए तो बड़ा खुश, बल्ले बल्ले, जिसका काम ना हो तो फिर बल्ले बल्ले नहीं, कुछ और ही। इसके हवाले से कुछ ये, इसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि मास्टर जो है सैंडविच है। कैटिकस जो है वो बाज़ दफ़ा सैंडविच बन के रह जाता है। उसको जो है फादर जी को भी ठीक रखना है और कलीसिया को भी ठीक रखना है, दोनों तरफ से जो है उनको जो है सेटिंग रखनी है अपनी, ताकि फाजी भी नाराज़ ना हो, लोग भी नाराज़ ना हो। अच्छा सर, कुछ अब आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से पूछते हैं। अक्सर आपके रिश्तेदारों को भी शिकवा होता है कि जी मास्टर जी जो ना हमें टाइम नहीं देते, कोई शादी है तो मास्टर जी कभी आते कभी नहीं आते, और बहन भाई भी जो अक्सर शिकवा करते कि मास्टर जी बड़े कम आते हैं, और आंटी आपकी मिसेज हमारी आंटी, क्या उनको और बच्चों को भी शिकायत होती है? हाँ जी, शिकायत बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ मैं समझता हूँ, मैंने उनको भी बताई है कि जब खिदमत जो है उसको आपने ले लिया है खिदमत करने के लिए, तो अपने घर वालों के साथ जो है आपने अपना अच्छा बर्ताव रखना है लाजमी। घर का टाइम जो है घर को, जैसे छुट्टी है मंडे ना हमारी, तो मंडे को जो है हम कहीं नहीं जाते, वो पूरा का टोटल जो है वो टाइम जो है वो फैमिली का टाइम है। बच्चों को भी आप देखते रहें सारा, कि बच्चों को छुट्टी के दिन बाहर लेके जाना है, मिसेज को भी बाहर लेके जाना है छुट्टी के दिन, सारे घर के काम जो है वो छुट्टी के दिन ही करने हैं। लेकिन अच्छी बात ये है, मैं जब भी बात करते हैं फैमिली की तो मैं कहता हूँ ये बड़ा अच्छी कुर्बानी है कि अपने हस्बैंड को अपने वालिद को दूसरों के साथ शेयर करना टाइम जो है, कि बड़ी कुर्बानी है ये, मेरी तो है ही है लेकिन फैमिली की भी है कि वो अपना वक्त, हाँ अपना रिश्ता जो है वो दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि खुदा का कलाम जो है वो जलाल पाए, खुदामन का कलाम जो है वो फैले। तो लेकिन रिश्तेदार और दोस्त अहबाब जो है उनका शिकवा बजा है कि हम इतने ज़्यादा जो है सोशल लाइफ में जो है वो एक्टिव नहीं होते, लोगों के पास इतना टाइम नहीं मिलता। बहरहाल जहाँ ज़रूरी होता है उसके लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन अक्सर औकात शिकायत ही रहती है रिश्तेदारों को दोस्त अहबाब को कि टाइम जो है नहीं निकल पाता। सर एक और ज़ाती सवाल आपसे करना चाहूँगा, उसके बाद जो है आवाम के लिए आप पैगाम देंगे। सर आपसे, आपके लिए सबसे बड़ा सदमा उस वक्त था कि जब हज कैंप पैरिश को, सेंट फ्रांसिस पुराना हज कैंप पैरिश को एक किस्म की नज़र लग गई, वहाँ पर इलाके बिखर गए, ये स्लॉटर हाउस का वाकया नाखुशगवार वाकया, आज तक दिल जो है ना खून के आंसू रोता है इसके हवाले से, कि क्योंकि आपने वहाँ बहुत मेहनत की, आपने वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया, वहाँ पर आपने ग्रुप्स को मजबूत किया, क्रिसिया को बेदार किया। अब जब वहाँ पर ऐसे दहशतगर्दी के वाकयात और स्लॉटर हाउस सुनसान और वीरान हो गया, इसकी अपनी फीलिंग्स थोड़ी सी बताएं। ये जायद बड़ा दर्दनाक सिलसिला है, तकरीबन 350 कैथलिक ख़ानदान थे अंदर, और चर्च ऑफ पाकिस्तान के राउंड अबाउट 200 के लगभग थे, और हिंदू कम्युनिटीज़ जो है उनके भी 100 के करीब घर थे। बड़ा जो है अच्छा जुर्मट था वहाँ पर, अच्छी खासी कम्युनिटी जो है आबाद थी, लेकिन दहशतगर्दी के सबब से जो है एक वक्त ऐसा है जब कत्लो गारत बहुत ज़्यादा लियारी में हुई है, तो जब अंदर हमारे लड़के जो हैं उनके साथ इन्वॉल्व हुए हैं कुछ, और फिर उनके भी मर्डर हुए और बहुत सारे दूसरे मसाइल परेशानियाँ आईं, तो दहशतगर्दी ने अरूज पकड़ा जब, तो वहाँ जो है तमाम का तमाम इलाका खाली हो गया, और चर्च जो है 2013 में तकरीबन टोटली 2 महीने जो है वो बंद रहा है।
पूरा का पूरा जो कंपाउंड है वो सारे का सारा खाली होगा, लोग जो है अल्लाह की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हिस्सों में चल अपना सामान छोड़ के, सामान छोड़ के लोग वहाँ से जो है वो चले गए, भाग गए, माइग्रेशन करके चले गया दूसरे इलाकों में। और जो है वहाँ पर जब आखिरी वक्त था तो वहाँ पर सिर्फ 5 फैमिलियाँ थीं जिनका कोई रिश्तेदार नहीं, कहीं जाने के लिए कोई आसरा नहीं था, तो वो 5 ख़ानदान जो है वहीं बैठे रहे। अच्छा, तो जब सिलसिला कुछ बेहतर हुआ तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, पैगाम भेजा कि आप आओ। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा मैं आ तो जाऊंगा लेकिन मुझे थोड़ी सी श्योरिटी दें कि मेरे साथ और लोगों के साथ कोई मसला या प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, मेरी आवाम के लिए कोई तहफ़ आदमी को साथ लाएं तो हम जो है देखते हैं फिर क्या होता है, आप लाएं। तो मैं जो है अपने उस वक्त के जो हमारे फादर जी थे उनके साथ वहाँ पर गया, और तकरीबन में हमारे वहाँ जाने से जो है तकरीबन जो है 15 ख़ानदान जो है और वहाँ शिफ्ट हुए, वापस आ गए। तो ये स्लोली स्लोली चलता हुआ अभी रिसेंटली जो है 175 फैमिलीज़ हैं, कैथलिक फैमिलीज़ वापस आई हैं 175। आहिस्ता आहिस्ता और चर्च ऑफ पाकिस्तान की जो है वो अराउंड अबाउट 60 के करीब ख़ानदान जो हैं, 35 के करीब हिंदू फैमिलीज़ जो हैं वो वापस आई हैं। लेकिन ये उस तरह जिस तरह था पहले, हाँ उस तरह अभी तक गैमा गैमी, हाँ जी सारी वो लोग जो हैं वो अभी नहीं हैं। पुराने लोग, पुराने ख़ानदान जो हैं राउंड अबाउट जो है 10-12 के करीब हैं, बाकी सब नए लोग आ गए, नए ख़ानदान आ गए हैं। और पुराने लोग जो हैं जो गए हैं बहुत कम वापस आए हैं। तो उस तरह से समझे कि एक नया सिलसिला शुरू हो गया, नए सिरे से आप दोबारा से पैदा, हाँ जी बिल्कुल नया सिलसिला, नई बातचीत दोबारा से शुरू कर रहे हो आप उनके साथ। जो अच्छे लोग थे जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यीशु को कबूल किया, तो सारे के सारे अख्तर कॉलोनी में, कुरंगी में, बल्दिया टाउन में, इवन डिगरोड में, और काफ़ी पोश इलाके हैं, आज़म बस्ती में काफ़ी लोग हैं, मंजूर कॉलोनी में बहुत सारे लोग हैं। तो ये सारे के सारे ये हमारे वो लोग हैं जिन्होंने उस ज़माने में माइग्रेशन की और यहाँ पर आ गए, अभी तक यहाँ पर आबाद हैं। तो खुदा का शुक्र है कि अभी बहुत बेहतर, अभी कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है, शुक्र है। हाँ जी, अभी बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा है नए सिरे से। सो हाजी कैम पैरिश के लिए ये बहुत बड़ा दर्दनाक वाकया था कि स्लॉटर हाउस की कलीसिया तितर बितर होगी। खुदा का शुक्र है कि अब फिर दोबारा से वो आ रहे हैं और रूहानियत में बढ़ रहे हैं। सर, आजकल हमारे माशरे में काफ़ी नाखुशगवार वाकया जो है वो नज़र आते हैं, कोरोना है, या अगर हम देख लें कि हमारी बच्चियों के साथ और जबरी जो है वो मज़हब तब्दील करने के हवाले से भी। अब मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो है नाज़रीन को पैगाम दे के हम किस तरह रूहानियत में, किस तरह ईमान, किस तरह हम अपने खुदावंद की आमद की रूहानी और जिस्मानी तैयारी कर सकते हैं, इसके हवाले से आप हमारे नाज़रीन को पैगाम। ज़ाहिद, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चा जब छोटा है ना तो उसकी तरबियत जो है, जब हम उसकी तरबियत के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स ढूंढते हैं हम नामी ग्रामी, लेकिन उसकी मजहबी तरबियत जो है उसके बारे में ज़रा फ़िक्रमंद नहीं होते। और जिसकी वजह से जो है हमारे दरमियान जो है यूसुफ़ यूहन्ना जैसे लोग पैदा होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हम क्या हैं, मैं क्या हूँ, मैंने बपतिस्मा लिया, मैं क्या हूँ, मेरा तशख़्स, मेरी ज़ात जो है वो क्या है, जानते नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ बपतिस्मा लिया है बस, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो संडे स्कूल है। अब संडे स्कूल जो है ऐसी तरबियत गाह है जहाँ से जो है हमारे बच्चे जो हैं बहुत कुछ अपने कलाम के बारे में, जीसस के बारे में, बाइबल के बारे में जो है सीख के निकलते हैं, अपने ईमान के बारे में। और जब ये सारी चीज़ें उनको पता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, असल में पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, तो जब वो जानता है कि मैं कौन हूँ,
जब हमारी जो ज़ात है, हम समझते हैं कि यीशु मसीह के साथ मिलने वाला शख्स, उसके साथ लगने वाला शख्स जो है, उसको छू लेने वाला शख्स जो है, वो निजात पाता है। उसको अपना ज़ाती निजात दहिंदा तस्लीम करने वाला शख्स जो है, वो निजात याफ्ता शख्स होता है। और ये जुर्रत जो है हमें मिलती है रूह से, जब बपतिस्मा के बाद हम खुदा को बाप कह सकते हैं। किसी और को ये तौफीक नहीं है, ना कोई कह सकता है खुदा बाप। इसलिए यीशु मसीह ने भी जब शागिर्दों को कहा कि ऐ उस्ताद हमें दुआ करना सिखा, तो सबसे पहले क्या कहा? आप जब दुआ करो कहो ऐ हमारे बाप। इसका मतलब है कि खुदावन यीशु मसीह जो है हमारा रिश्ता अपने बाप के साथ बनाते हैं। कैसी बात है कि वो खुदा का बाप है, यीशु मसीह का बाप है और हमारा भी बाप है। सो नाज़रीन, आपने देखा और सुना कि हमने कितनी अच्छी बातें सर से सीखी, हमें कितनी मालूमात हासिल हुई कि किस तरह हमने अपनी रूहानी ज़िंदगी को मजबूत करना है और किस तरह अपनी खिदमत को जारी और सारी रखना है। और हमारे लिए सर एक मॉडल्स की हैसियत रखते हैं कि हमने आज इनसे बहुत कुछ सीखा। तो मास्टर जी, जो लोग हमारा शो देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्रिसमस के हवाले से बड़ी खूबसूरत शख्सियत जो है, रोल मॉडल जो है, उसको बनाना जो है बहुत ज़रूरी है। मदर मैरी, मुकद्दसा मरियम की ज़ाते ग्रामी को देखें तो फरिश्ते का पैगाम मिलने के बाद जो है उन्होंने एक कुछ लफ्ज़ जो है बोले, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफ़ी को। यानी खुदावन की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी से पूरा करना। तो जब खुदावन की मर्ज़ी जो है वो मेरे बारे में क्या है, उसने अपनी ज़ात को डिनाई कर दिया कि मैं क्या हूँ, जो कुछ हूँ, मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है। खुदावन, जो तुम मुझसे काम लेना चाहता है ले, मेरा जिस्म मेरी जान हाज़र है। तो जब हम खुदावन के लिए अपना आप दे देते हैं, खुदावन को कहते हैं खुदावन मैं हाज़र हूँ, मुझसे जो भी काम लेना है ले, और जब इस तरह कहते हैं तो खुदावन खुदा हमें इस्तेमाल करता है किसी भी काम के लिए, किसी नेक मकसद के लिए, किसी भी जो है पर्पज़ के लिए वो इस्तेमाल करते हैं हमें। तो हमें खुदावन के लिए जो है अपने आप को तैयार रखने की ज़रूरत है, यीशु मसीह के लिए, कि इन अयाम में, आमद के अयाम में जब हम क्रिसमस तक पहुँचेंगे तो हम जो है वो अपने अलावा दूसरों की फ़िक्र करें, दूसरों का ख्याल करें, दूसरों के लिए जो है ज़िंदगी का सबब बने। जो ज़िंदगी मुझ तक यीशु मसीह के वसीले से पहुंची है, यीशु मसीह मुझ तक पहुंचा है, मैं यीशु मसीह दूसरों को दूँ, मुंतकिल करूँ दूसरों को। आपने देखा कि आज हमने अपने हर दिल अज़ीज़, मुबशर, नहायत काबिल एहतराम मास्टर परवेज़ से कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत बातें हमने सुनी और सीखी, और यह हमारे लिए एक रोशनी की हैसियत रखते हैं। इन्होंने हमें सिखाया, अब हम पर फ़र्ज़ है कि हम एक दीप के साथ दूसरा दीप जलाते रहें ताकि पूरे समाज में रोशनी फैल जाए। और वाजिब है कि सर, रोशनी की जहां बात आई है तो आज आमद का पहला संडे है, और मैं चाहूँगा कि आमद की पहली मोमबत्ती आप अपने दस्ते मुबारक से रोशन करें। थैंक यू मास्टर जी कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। तो नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, तब तक देखते रहें तड़के दिवेले, ओनली ऑन गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी, ज़मीन से आसमान तक।